मुरादाबाद के थाना मंजोला क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर में एक बच्चे का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ युवक नाबालिग बच्चे को पेड़ से बांधकर जमकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक पर यह आरोप था कि यहाँ पर कई बार दुकानों में चोरी हो चुकी है और उस पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और इस पूरे वीडियो की पड़ताल करने के साथ साथ जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। पिटाई का शिकार नाबालिग बार बार माफी मांग रहा है और पिटाई करने वाले लोगों से उसे छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन नाबालिग को तालिबानी सजा दे रहे ये लोग उस पर जरा सा भी रहम नहीं खा रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नाबालिग की पिटाई का सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना मंझोला इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे का है, जहां अवधेश नाम के व्यक्ति की दुकान के आगे खड़े ट्रक से कुछ सामान चोरी करने का नाबालिग पर आरोप है। दुकान मालिक और उसके साथियों ने नाबालिग को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। दुकानदार अवधेश के मुताबिक पहले भी उसकी दुकान में काफी बार चोरी हुई है और आज उसने एक नाबालिग को ट्रक से सामान चोरी करते हुए पकड़ा और उसने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। सवाल ये नहीं है कि चोरी के शक में पकड़े गए नाबालिग को छोड़ दिया जाए, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि कानून को अपने हाथ में लेकर एक नाबालिग की इतनी बेदर्दी से पिटाई की जाए और फिर उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए। पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए जो कानून को अपने हाथ में लेकर तालिबानी सजा देने पर उतारू हो जाते हैं। जी सर, ऐसा है, ये हमारी दुकानें लगभग 4-5 दफा चली गई, कट गई हैं जी। लगभग 8-10 लाख रुपए का माल चुड़ गया था। अब गाड़ी का सेल खोल ले था लड़का जी। जब हम दुकान पे आए अपनी, तो हमने ये खोलते हुए पकड़ा गया ये लड़का। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके पास चाबी पानी भी थे और भी सामान बरामद किया गया इसके पास से। तो हमने 112 पे कॉल करी जी, जी उनके हवाले कर दिए। पुलिस आई थी जी। अब कहाँ है वो चोर? अब हमने तो चौकी भेज दिया था उसे। वायरल वीडियो के इस मामले के बाद मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद के मुताबिक पिटाई का मामला सामने आने के बाद पिटाई करने वालों के साथ भी पुलिस नियमानुसार कार्यवाही करेगी। इसमें पहले पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो लड़का है वो ट्रक में चोरी कर रहा है। उनके द्वारा तहरीर भी दी गई और इस लड़के को भी सुपुर्द किया गया, उनके द्वारा पकड़ा गया था। तो उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक वीडियो भी संज्ञान में आया है, जहाँ पे इन लोगों ने जो उस लड़के को पकड़ा था उसके साथ ये मारपीट कर रहे हैं। इसका भी संज्ञान लेते हुए इन व्यक्तियों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर, ये चोरी का आरोप है इसके युवक के ऊपर? इस युवक के ऊपर चोरी का आरोप है। इसका भी तहकीकात करके जो भी न्याय संगत है, जो भी साक्ष्य, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।